नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज की हम स्टूडियो में आपको बताने वाले हैं कलर प्रेडिक्शन एप्स क्या है, क्या इसके नुकसान है, इसके साथ में क्या हमारे इंडिया में ये लीगल है या नहीं है, और इसके साथ में रियल है या फेक है। आज की हम स्टूडियो में इसका पूरा काला सट्टा आपको बताने की कोशिश करेंगे। जो भी चीजें बताऊंगा एकदम रियल है और सच्चाई है, और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं जो भी मैं चीजें बताऊंगा गलत हो तो आप प्रूफ करके बता देना। मैं आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल इसके ऊपर रिसर्च करने के बाद आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जो भी चीजें बता रहा हूं एकदम रियलिटी है, सच है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाला हूं कलर प्रेडिक्शन एप्स के बारे में। जो लोग कहते हैं कि हम इसमें लाखों रुपए कमा रहे हैं उनके लिए वीडियो है आज की इस वीडियो में, जरूर देखना। जो लोग कलर प्रेडिक्शन एप्स खोल रहे हैं, खेलने की सोच रहे हैं, पैसा एक कमाने का जरिया सोच रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग गलत राय पे जा रहे हैं उनके लिए यह वीडियो है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जो लोग इसमें नहीं लगे हैं उनको भी सावधान हो सके, और जो लोग लग चुके हैं इनमें, लत गलत हो चुकी है उनकी, उनके साथ भी शेयर करना। क्योंकि जो लोग इसमें जो अपना सट्टाबाजी करने लग गए हैं वो बर्बाद हो चुके हैं और भी बर्बाद होते जा रहे हैं, उनको बचने के लिए आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर सकते हैं। चलो शुरुआत करते हैं और बताते हैं एक्चुअल में गाइस क्या है इसकी सच्चाई, कलर प्रेडिक्शन एप्स कैसे वर्क करता है, हाउ इट्स वर्क। एक्चुअल में गाइज ये कलर प्रेडिक्शन वर्क कैसे करता है, ये एप्लीकेशन होते हैं जो कलर प्रेडिक्शन पे काम करते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं। एक्चुअल में गाइज कलर प्रेडिक्शन ऐप में आपको तीन कलर देखने को मिलता है, रेड, ग्रीन, ब्लू, या और भी कुछ हो सकता है। इन तीन को तो देखा जाता है और इनमें आपको कलर चूज करना होता है। जैसे आप जो भी कलर चूज करो वो आपके ऊपर डिपेंड है। तीन कलर आपको देखने को मिलेंगे, इनके जस्ट नीचे ही आपको नंबर देखने को मिलता है, जैसे 1, 10, 8, 5, 3, जो भी आपको चाहिए, यानी जो भी आपको लगता है कि ये कलर आ सकता है, ये नंबर आ सकते हैं, नेक्स्ट टाइम में ये नंबर आ सकते हैं, तो ये आपको देखने को मिलता है। इसके साथ में आपको इसमें जो एक टाइमिंग चलता रहा है, यानी उसको बोलते हैं काउंटिंग पीरियड। एक्चुअल में गाइस ये जो चलता रहता है अपना टाइमिंग होता है, इसमें टाइमिंग चलता है 2 मिनट 30 मिनट का, 2 मिनट और 30 सेकंड का आपको टाइमिंग देखने को मिलता है। 2 मिनट के अंदर अंदर आपको चूज करना होता है और 30 सेकंड का इसमें लॉक होता है। ये कंपनी डिसाइड करेगी कि कौन कितना किया है, कितनों ने पैसा लगाया है, कितनों ने नहीं लगाया है, ये होता है एक्चुअल में। और जो भी आप इसमें चूज करोगे, जैसे आपने रेड पे क्लिक किया कि ये जो अगली बार है जो रेड आने वाला है, या दूसरी बार रेड आएगा, तीसरी बार रेड आएगा या ब्लू आएगा, जो भी आएगा, जो भी आप चूज करोगे उसके बदले आपको पैसा देना पड़ता है। ये वही है कि सट्टा आपको लगाना पड़ेगा, पैसा आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, यदि आप 3 नंबर चूज करते हो तो 3 नंबर में आपको जो 10 रुपए लगाने हैं, 20 रुपए लगाने हैं, आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। जितना आप पैसा लगाओगे उसका डबल मिलता है कलर प्रेडिक्शन में। यानी आपने 3 ऑप्शन होते हैं कलर प्रेडिक्शन में, कलर में आप यदि पैसा लगा रहे हो तो इसमें आपको डबल मिलता है जस्ट। यानी आपने 1000 रुपए लगाया तो 2000 मिलेगा, कंपनी ये जो दावा करती है कि हम उसका डबल देते हैं। अब यही चीज यदि नंबर में आप लगाते हो तो नंबर में आप 1, 2, 3, 4 जो भी आप नंबर आपको आने वाला है, लग रहा है कि ये जो आगे आने वाला ये नंबर होगा, तो वो आपको उसका 9 गुना आपको पैसा देगी। चाहे आपने ये जो 1000 लगाया तो आपको 9000 आपको वापस रिटर्न मिलेगा। ये एक्सचेंज काम करती है। इसके जस्ट आपको सामने एक जो सीरियल नंबर होता है एक्चुअल में, वो जो उसको बोलते हैं एक्चुअल में उसको, कि जो ये नंबर होता है जो पीरियड होता है, पीरियड नंबर बोला जाता है एक्चुअल में। इसमें जो कुछ डिजिट होती है, जैसे हमारा जो अभी सन चल रहा है 2024 चल रहा है, इसके बाद में तारीख होगी, यानी अभी जनवरी चल रही है तो 01 होगा, इसके बाद में आज की जो तारीख है वो होगा, जैसे जो 17 हो सकती है, 18 हो सकती है, 20 हो सकती है, जो भी तारीख चल रही है वो तारीख। इसके बाद में 3 डिजिट होते हैं इसके पीछे, जो इस जो अभी टाइमिंग चल रहा है, तो अभी 10 बज रही है तो 10 बजे का होगा, 12 बज रही है तो 12 बजे का होगा, ऐसे जो टाइमिंग चलता है। उसके बाद में एक नंबर होता है जो इसको डिसाइड करता है कि आप कितनी बार इसको खेल चुके हो, ये जो अभी गेम का कौन सा सर्कल चल रहा है, कौन सी जो इसमें लेवल चल रही है, ये आपका डिसाइड होता है। तो ये इसमें ऐसा होता है सिस्टम, जो आप चूज करोगे उसके बदले आपको पैसा करना होता है, पैसा पे करोगे, उसके बाद में जो आप जीतोगे हारोगे ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। अब इसमें जो कंपनी कैसे प्रॉफिट कमाती है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। यानी आपने कोई रेड चूज किया है या ब्लू चूज किया है, या आपने 8, 9, 10 नंबर चूज किया है, आपके जैसे हजारों लोग हैं जो इसमें अपना पैसा लगा रहे हैं, पैसा गंवा रहे हैं। मैं तो आप यही कहूंगा कि पैसा गंवा ही रहे हैं। कैसे, जो अपने 10 जो नंबर चूज किया है, 5 नंबर चूज किया है, या उन्होंने रेड चूज किया है, ब्लू चूज किया है, ऐसे जो आपके जैसे बहुत से लोग होने होंगे, यानी जो हजार लोग भी होते हैं उनमें से यदि जो 80% लोग रेड पे क्लिक करते हैं, और यदि जो 8 नंबर पे क्लिक करते हैं, ऐसे जो भी चूज करते हैं उनके हिसाब से जो 8 नंबर पे चूज करते हैं, तो ज्यादा नंबर के चांसेस ज्यादा होते हैं कि 80% लोगों ने रेड पे क्लिक किया है और जो नंबर चूज किया है वो, तो इसमें उस लोगों को फायदा नहीं होता है। जैसे कि 1000 लोगों ने 80% कंपनी रिटर्न कर देगी तो उस कंपनी को क्या फायदा होगा। वही चीज
जो इस लोगों ने कम यानी पैसा लगाया है, जैसे कि आपने ग्रीन पे क्लिक किया है, यानी ग्रीन में 20% लोगों ने ही पैसा लगाया है, तो इसमें जो कंपनी का फायदा है कि 20% ही तो लोगों को रिटर्न करना है, 80% तो सीधा सीधा इसका प्रॉफिट होगा, उसमें से 20% भी यदि लेस कर दे तो 60% सीधा सीधा इस कंपनी का फायदा होगा। ये कंपनी ऐसे अपना फायदा करती है, ऐसे अपना पैसा बनाती है। ये तो हो गया अपना एकदम रियल, ऐसे पैसा कमाती है। अब इसमें बात करते हैं क्या ये ऐप्स लीगल है या नहीं है, आपको बता देता हूँ। एक्चुअल में गाइस ये जो ऐप्स होते हैं कलर प्रेडिक्शन ऐप्स, ये आपको गूगल पे प्ले स्टोर पर मिलेगा ही नहीं आपको, या तो किसी जो यूट्यूबर की वीडियो देखी होगी आपने, उसमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां से आपने क्लिक किया होगा, या आपने कोई टेलीग्राम पे जाके आपको डाउनलोड करने के लिए बोलेगा, और इसके बाद में आपको बोलेगा कि हमारे ये जो नंबर है आप इनको प्रोमो कोड डालना, ये कोड डालना, ये जो हमारे आप कोड डालोगे तो इसमें आपको फायदा मिलेगा। एक्चुअल में गाइस इसमें आपको रजिस्टर करने के लिए आपको कुछ न कुछ किसी के लिंक के जरिए आपको जाना पड़ेगा। तो आपको बता दूं ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, प्ले स्टोर पे एक्चुअल में होता ही नहीं है। जो ऐप्स होते हैं, जो एक फर्जी ऐप्स होते हैं, वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को बता दो। अब इसी को बात करता हूँ दोस्तों, एक्चुअल में ये ऐप्स हैं जो क्या अपने इंडिया में लीगल है या नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। प्रेडिक्शन एक्चुअल में क्या है, ये होता है एक भविष्यवाणी। भविष्यवाणी एक्चुअल में गाइस आप किसी भी कर सकते हैं, यानी आने वाला दिन कैसा हो सकता है, वो दिन कैसा हो सकता है, या आने वाला जो 10 अंक क्या हो सका, आपके मोबाइल नंबर क्या होंगे, ये एक भविष्यवाणी कर सकते हो आप। यानी आप जो अगले साल क्या पास होंगे, फेल होंगे, रिजल्ट क्या रहेगा, ये आप भविष्यवाणी कर सकते हैं, इस पर आपकी कोई रोक टोक नहीं है। ये हमारे इंडिया में लीगल है, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। अब यही चीज़ आपने सट्टाबाजी लगाई, यानी आप फेल होंगे, पास होंगे, या जो आपको आने वाला नंबर 10 होगा, 20 होगा, इसी प्रकार आने वाला रेड होगा या जो ब्लू होगा, ये इसमें पैसा लगाने की बात आती है, तब वो इलीगल हो जाता है, यानी वो हमारे इंडिया में बैंड है। इस पे पैसा लगाना, सट्टेबाजी करना, ये बिल्कुल इंडिया में बैंड है, इस पे रोक लगाई गई है। आपको बता दूं ये हमारे इंडिया में नहीं है, इस पे बिल्कुल ही रोक है, फुल स्टॉप लगा है, फिर भी बहुत से लोग इनके चंगुल में फंस जाते हैं। जैसे कि किसी जो लोगों के टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होते हैं, या किसी की वीडियो देख के उसमें डिस्कॉक्स में जाके ज्वाइन हो जाते हैं और देखते हैं कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा। एक्चुअल में गाइस ऐसे नहीं बनते हैं, ये होता है एक्चुअल में गाइस। ऐसे कंपनी अपना प्रॉफिट करती हैं, ऐसे अपना फायदा करती हैं, और ऐसे लोगों से पैसे हड़प के जाती है। आपको बता दूं दोस्तों, इसमें बहुत से लोगों ने अपना पैसा गंवाया है, चाहे 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, 30,000 हो, ऐसे बहुत से लोगों ने मेरे को कमेंट किया है। आप कमेंट देख सकते हो, मैं साइड में आपको लगा रहा हूँ स्क्रीनशॉट, आप इनमें कमेंट पे देख सकते हो, पढ़ सकते हो। एक्चुअल में गाइस ये रियलिटी है और सच है। इन ऐप्स में आपको पैसा डूबने का चांसेस ही रहेगा, जीतने का कोई चांस है नहीं है। एक्चुअल में गाइस ये सट्टाबाजी है, और इसमें कंपनी का फायदा होता है, और कंपनी इंडिया की नहीं, कहीं बाहर की होगी कंपनी। ये जो कलर प्रेडिक्शन ऐप्स हैं, ये हमारे इंडिया में बिल्कुल बैंड है, तो इंडिया की कंपनी नहीं है, कहीं बाहर की कंपनी है, और वहाँ से जो वो अपना दिमाग लगाती है और यहाँ के जो लोगों को ऐसे बेवकूफ़ बना के पैसे लूट के जाती है, ऐसा वर्क करता है। अब इसमें बात करूँ, अभी जो जस्ट 1-2 साल पहले की बात है, जब हमारे जो तेलंगाना में, हैदराबाद की बात कर रहा हूँ मैं, और मैं जहाँ से बात कर रहा हूँ ये अभी बेंगलोर में हूँ, और इसी के पास में ही बात है। यहाँ पे क्या है कि जो बहुत से लोगों को यहाँ से अरेस्ट किया गया था, चाइनीज थे, जो यहाँ पे बैठे बैठे कलर प्रेडिक्शन गेम्स खिलाते थे, उनको ऑपरेट करते थे, यहाँ पे सेटिंग करते थे, बताते थे लोगों को और उन पे काम करते थे, उनको अरेस्ट किया गया। ऐसे जो लोगों को अरेस्ट करना ज़रूरी भी है, और इसीलिए जो इंडिया में ये बैंड किया गया है, आप इस चीज़ को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, तेलंगाना की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप हैदराबाद की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकती हो, ये एकदम रियलिटी है, सच है। आप जाके सर्च करोगे कि हैदराबाद ये कलर प्रेडिक्शन ऐप्स, तो इस पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। एक्चुअल में गाइस ये हमारे इंडिया में बैंड है, और इसमें जो भी पैसा लगाता है आज तक नहीं जीता है। इनमें से यदि जीतने वाले कुछ लोग होंगे, जो 2-3% होंगे, वो बोलते होंगे आपको, तो वो कौन है मैं आपको बताता हूँ। बहुत से लोग जीतते भी हैं, वो कौन लोग जीतते हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक तो होगा डेवलपर, इसके बाद में एजेंट लोग, और इसके बाद में प्रमोटर, जो आप लोग जो इसको प्रमोट कर रहे हैं, जो लोग जो अपने वीडियोस के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि वो चूज़ करना, वो चूज़ करना, इतना पैसा लगाना तो आपको ज़्यादा बोनस मिलेगा, इतना पैसा लगाओ तो ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। तो दोस्तों इसमें जितने भी लोगों ने अभी तक पैसा लगाया है, सभी हारे हैं टोटली। दोस्तों ये इंडिया में इलीगल है, आप इसको खेलने से बचें और इनमें जाने से बचें। ऐसे जैसे में लोग आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, तो उनको सावधान रहें, उनको बोलें कि हमें आपको पैसा नहीं देना है और नहीं जीतना हमारे को। बहुत से लोग आपको कहते हैं कि रातों रात अमीर हो जाओगे आप, पर एक्चुअल में गाइज होता नहीं है। कंपनी का फायदा होगा, आप दिवाले घोषित हो जाओगे, आप बर्बाद हो जाओगे, सीधी सी बात है।
आप इन चक्करों में ना पड़ें। ज़्यादा से ज़्यादा आप कहीं जो आप म्यूचुअल फंड में लगा दें या कोई और ऐसी जगह लगाएं जहाँ से आपको 7% 8% आपको देखने को मिलेगा रिटर्न और अच्छा आपको फ़ायदा होगा। वहाँ पे आपका कोई चांसेस नहीं है डूबने के, ज़्यादा आपको चांसेस रिटर्न के होंगे, कम से कम आपको 1% का नुकसान हो सकता है, इससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे चीज़ों में लगाओ जहाँ आपका पैसा बढ़ सके, आपको अच्छा कमीशन मिल सके, अच्छा आपका पैसा डबल हो सके। जो लोग बोलते हैं कि ये जो एकदम सही ऐप्स हैं, ये एक लीगल ऐप्स है और इससे आपको फ़ायदा होगा, बहुत से लोग आपको प्रूफ दिखाते हैं, तो वो लोग कौन है? तो डेवलपर हो सकता है जो ऐप्स जो प्रमोट कर रहा है वो हो सकता है, और जो लोग अपने इंडिया में एजेंट बना रखे हैं इन एप्लीकेशन के, कुछ लोग इस पे काम कर रहे हैं एजेंट के रूप में, वो लोग जो आपको बोलेंगे कि ये लीगल है सर, इतना पैसा हमने कमाया है, ये देख लो सर, ये अप्रूव है हमारे पास, वो लोग है जो बोलेंगे आपको। तो इन चक्रों में ना पड़ें, इनसे सावधान रहें, अलर्ट रहें, आपको फिर से कह रहा हूँ इन चीज़ों से बच के रहें। यदि नहीं बचे तो आप बर्बाद हो जाओगे, आपके जो भी पैसे हैं वो भी हड़प दिए जाएंगे, जीरो हो जाएगा आपका। तो इन चक्रों से बचें, लीगल है ही नहीं अपने इंडिया में और ये एक नंबर इलीगल है। और हाँ दोस्तों, यदि आप टेलीग्राम मेरे ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, मेरे जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप जरूर जाके चेकआउट करना। ऐसे बहुत से जो एप्लीकेशन है जो रियलिटी में आपको पैसा कमा के दे सकता है, ऐसे एप्लीकेशन की लिंकें और डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो आप मेरे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं आप उस ग्रुप में जाके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होए, जिससे आपको आने वाले टाइम में कुछ एप्लीकेशन का दे सकूँ जो अच्छा आपको प्रॉफिट दे सकता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए किसी टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।